ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच 24 घंटे में हुई दूसरी मुठभेड़। दरअसल जारचा कोतवाली पुलिस एनटीपीसी बिसाड़ा रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर पुलिस को एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार युवक को रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। बदमाश की तरफ से की जा रही फायरिंग में पुलिस अधिकारी बाल बाल बच गए और बदमाश के द्वारा की जा रही फायरिंग का जवाब क्रॉस फायरिंग से दिया, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी। गोली लगते ही बदमाश मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को दौड़कर पकड़ लिया। घायल बदमाश की पहचान सौरभ के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पकड़ा गया बदमाश बीते दिनों ग्रेटर नोएडा डिपो के जनपद गांव के पास हुए डबल मर्डर के मामले में वांछित चल रहा था, जिसके चलते पुलिस को इसकी काफी लंबे समय से तलाश थी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। भारत दर्पण टीवी के लिए नोएडा से कौसर आलम की रिपोर्ट।